तो आज हम देखेंगे कि डेडलॉक होता क्या है तो तीन कंपोनेंट्स आज हम पढ़ेंगे डेडलॉक में डेडलॉक के डेफिनेशन देखेंगे डेडलॉक होता क्या है एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे सिस्टम मॉडल की बात करेंगे और डेडलॉक के कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे कैसे आप कैरेक्टराइज कर पाओगे कि डेडलॉक होता क्या है एग्जैक्टली exactly डेडलॉक होता क्या है कैसे आप कैरेक्टराइज कर पाओगे इन सारी चीजों को आज समझने की कोशिश करते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं जैसे हमने मान लो बात की कि हमने देखा कि को ऑपरेटिंग प्रोसेसिस होते हैं ठीक है जो रिसोर्सेज को शेयर्ड करते हैं जब रिसोर्सेज शेयर्ड होता है तभी दिक्कत आती है क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में या कहना चाहिए जो सीपीयू है एक टाइम पे एक ही को मिल पाएगा या क्रिटिकल सेक्शन में कोई एक ही बंदा एक बार में जा पाएगा तो ये सारी जो कहना चाहिए चीजें को रिलेटेड किससे रिसोर्सेज से क्यों क्योंकि रिसोर्सेज को हम शेयर करने की बात कर रहे हैं ठीक है तो समझने की कोशिश करते हैं अगर देखा जाए तो अगर आप कोई भी मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट की बात करते हो तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में बच्चे रिसोर्स शेयरिंग जो होता है वो आपका क्या है वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है बिकॉज सारा कुछ किस पे डिपेंड है रिसोर्स शेयरिंग पे क्योंकि अगर मान लो रिसोर्सेस हैं आपके पास जैसे मान लो आर वन है आर टू है आर थ्री है तो एक बार में रिसोर्स एक जो रिसोर्स है एक टाइम पे किसी एक ही प्रोसेस को दिया जा सकता है जैसे कि मान लो वन है पी टू है और पी थ्री है ठीक है तो रिसोर्स आर वन अगर पी वन को मिल चुका है तो बट ऑब है एक बार में एक ही प्रोसेस को रिसोर्स आर वन मिल पाएगा तो अगर पी थ्री डिमांड कर रहा है आर वन की तो उसको क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा तो एवरीथिंग एवरीथिंग इज ओरिएंटेड ऑन शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ठीक है और एवरीथिंग एवरीथिंग इज डिपेंडेंट और कोरिलेटेड द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सिस तो कभी भी हम अगर मल्टीप्रोगिंग एनवायरमेंट की बात करते हैं तो रिसोर्सिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ दिस्टम चलिए अच्छी बात है तो मतलब ठीक है मतलब हार्डवेयर ठीक है टैब ड्राइव हार्डवेयर प्राइमरी डिवाइसिस या प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो रैम मेमोरी भी आपकी शेयर हो सकती है ठीक है डेटा कोड का सेगमेंट ठीक है ये सारे कैसे होते हैं रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि शेयर करने की जरूरत पड़ती है ठीक है अब देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ इच रिसोर्सिस ठीक है जैसे कि मान लो दो प्रिंटर अटैच हैं कंप्यूटर से ठीक है तो प्रिंटर के दो इंस्टेंस है एक प्रिंटर वन हो गया एक प्रिंटर टू हो गया इट मीन्स देर आर टू रिसोर्सेस आर वन एंड आर टू तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा रिसोर्स चाहिए आर वन चाहिए या आर टू चाहिए तो याद करो अगर आपके पास आप कहना चाहिए किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हो ठीक है तो आपके कंप्यूटर में जब आप किसी कहना चाहिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो आप सोचो कि आपके कंपनी में दस कंप्यूटर अटैच्ड हैं सबके साथ दस कंप्यूटर शेयर्ड है तो बट ऑबियस से क्या होगा बेटा जब आप प्रिंट कमांड दोगे तो आपके पास प्रिंटर्स के ऑप्शन दिखेंगे जिसको आप सेलेक्ट करोगे उससे आप प्रिंट कर सकते हो ठीक है तो सारी चीजें जो हो रही है रिसोर्स के टर्म में हो रही है रिसोर्स शेयरिंग के चलते हो रही है ठीक है तो अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑपरेटिंग तरीके से प्रोसेस को यूज कर सकता है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू यूज द रिसोर्सेज ठीक है इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका जवाब क्या होगा बेटा कि किसी प्रोसेस को यूज करने के तीन तरीके बेटा या या रिसोर्सेस को यूज करने के जो तरीके हैं उनमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी रिसोर्स की तो रिक्वेस्ट रिसोर्स की आप रिक्वेस्ट करते हो देन आप क्या करते हो रिसोर्स को यूज करते हो और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप क्या करते हो बेटा उसको रिलीज कर देते हो दूसरे के लिए अवेलेबल कर देते हो इट मीनस इफ एनी प्रोसेस वॉन्स टू एवल any resources or want to acquire the resources then it first requests it if it is available operating system kya is to provide karega beta then the process use that particular resources or execute their instructions in the critical section and after that after completing its execution the process releases it

जो सारी स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है रिसोर्स पे रिसोर्स पे बेस्ड है और रिसोर्स के शेयरिंग पे बेस्ड है चलिए अच्छी बात है तो अब हम बात करेंगे डेडलॉक की आखिर डेडलॉक कंडीशन होती क्या है तो बड़ा ही मैंने लाइव सिचुएशन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा आपको ठीक है तो रियल लाइफ सिचुएशन में देखो अगर मान लो एक रेलवे ट्रैक है ये आपका रेलवे ट्रैक है ठीक है एक रेलवे ट्रैक पे इस साइड से एक ट्रेन आ रही है और इस साइड से भी एक ट्रेन आ रही है ठीक है कौन सी ट्रेन क्रॉस कर पाएगी बताओ मुझे कौन सी ट्रेन जो है कौन सी ट्रेन इस ट्रैक पे क्रॉस कर पाएगी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जल्दी बताओ एक ही ट्रैक है सिंगल ट्रैक की बात कर रहा हूं मैं नो सर कोई भी नहीं कर पाएगा दिस इज कॉल्ड डेडलॉक दिस इज कॉल्ड डेडलॉक ठीक है अब अगर मान लो समझो मैं इसको और रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो बेटा क्या है दीपांशु के पास एक हाथ में लड्डू है ठीक है और उसको रसगुल्ला भी चाहिए हार्दिक बोलता है नहीं नहीं मेरे हाथ में रसगुल्ला है और मुझे लड्डू भी चाहिए मतलब देखो दीपांशु और हार्दिक है ठीक है तो मैं मान के चलता हूं एक दीपांशु हो गया एक हार्दिक हो गया इसके एक हाथ में लड्डू है बोले लड्डू तो मैं खाऊंगा ही अच्छा लगता है मुझे ठीक है लेकिन मुझे क्या कहते हैं मेरा जो ना पेट तभी भरेगा जब मैं रसगुल्ला भी खा लू ठीक है रसगुल्ला भी खा लो हार्दिक के पास रसगुल्ला है ठीक है हार्दिक के पास रसगुल्ला है लेकिन उसको लड्डू चाहिए अब समझो मेरी बात अब ना तो हार्दिक रसगुल्ला देने को तैयार है और ना दीपांशु लड्डू देने को तैयार है मतलब ऐसा अगर हो जाए कि दीपांशु अगर लड्डू दे दे हार्दिक को तो उसका हार्दिक का तो पेट भर गया ठीक है क्योंकि उसको रसगुल्ला भी और लड्डू भी चाहिए था रसगुल्ला है लेकिन लड्डू चाहिए वैसे ही दीपांशु का पेट कब भरेगा लड्डू है लेकिन रसगुल्ला चाहिए रसगुल्ला किसके पास है हार्दिक के पास अब दोनों सोच रहे हैं कि मेरे पास एक सोच रहा है मेरे पास रसगुल्ला आ जाए दूसरा सोच रहा है मेरे पास लड्डू आ जाए लेकिन दोनों वेट करते रह जाएंगे क्यों क्योंकि दोनों ही अपने अपने रिसोर्सेस नहीं छोड़ेंगे दीपांशु लड्डू नहीं छोड़ेगा बोले बोलेगा वो, वो क्या बोलेगा मुझे तो रसगुल्ला ही बस चाहिए लड्डू तो है ही हार्दिक बोलेगा मुझे तो लड्डू ही चाहिए रसगुल्ला तो है ही तो दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेस को एक्वायर करके रखे हुए हैं ठीक है और एक एक रिसोर्सेज होल्ड करके रखे हैं ठीक है तो यहां हो क्या रहा है मैंने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और दूसरे का वेट कर रहा हूं ऐसी कभी भी सिचुएशन आए दैट इज कॉल्ड डेडलॉक ठीक है तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया जहां आपके पास दो ट्रेन है कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ऑन द सेम ट्रैक एंड देयर इज ओनली वन ट्रैक और ट्रैक भी एक ही है बेटा ठीक है तो नन ऑफ द ट्रेन कैन मूव वंस दे आर इन फ्रंट ऑफ इच अदर जब वो एक दूसरे के सामने होंगे कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज ट्रैक एक ही है तो ये कहलाता है, है आपका डेडलॉक दिस इज द कंडीशन ठीक है जिसको आप बोलते हो डेडलॉक तो अमिलर सिचुएशन अक्कर सिस्टम वेन देर आर टू और मोर प्रोसेसिस जो कि क्या करेंगे कुछ रिसोर्सिस को होल्ड करके रखेंगे और कुछ रिसोर्स का वेट करते रहेंगे ठीक है ना तो अपने रिसोर्स छोड़ेंगे और जो दूसरे रिसोर्स जिसका वेट कर रहे हैं वो भी उनको नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरे ने होल्ड करके कर रखा हुआ है वो भी उसको नहीं छोड़ेंगे क्यों नहीं छोड़ेंगे बोले मेरे पास ये रिसोर्स तो है ही बस एक का तो वेट कर रहा हूं मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा तो हम ऐसे इवेंट का वेट कर रहे हैं जो कि अकर ही नहीं होगा बेटा हम ऐसे इवेंट की बात कर रहे हैं जो कि ऐसे इवेंट की वेट कर रहे हैं जो कि होगा ही नहीं क्यों क्योंकि कुछ रिसोर्सेस मैंने होल्ड करके रखे हैं जो दूसरे को चाहिए और जो मुझे चाहिए वो दूसरे ने होल्ड करके रखा हुआ है तो इसीलिए यहां पर क्या बात आ रही है कि ऐसा इवेंट हो रहा है जो ऐसे इवेंट का हम वेट कर रहे हैं जो कि होगा ही नहीं और ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक तो अगर मैं डेडलॉक की डेफिनेशन बताऊं

अब यहां अगर देखो तो ए एक प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस बी है ठीक है तो अगर आप देखो बच्चे तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो ए प्रोसेस है उसने टी वन को होल्ड करके रखा हुआ है टी वन उसके पास है लेकिन टी टू चाहिए कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए टी टू चाहिए कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए यहां बी प्रोसेस है उसने टी टू होल्ड करके रखा है लेकिन टी वन चाहिए कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए तो ए को जो चाहिए वो बी के पास है और जो बी को चाहिए वो ए के पास है तो दोनों ही वेट करते रह जाएंगे दोनों ही वेट करते रह जाएंगे दैट इज कॉल्ड लॉक ठीक है मतलब इट इज अचुएशन वेन एनी प्रोसेस एंटर्स अ वेटिंग स्टेट बिकॉज अनदर वेटिंग प्रोसेस इज होल्डिंग द डिमांडेड रिसोर्स यहां ये, ये जो प्रोसेस है ये वेट इसलिए कर रहा है बिकॉज इसका जो रिसोर्स है वो बी ने होल्ड करके रखा है इसलिए मैंने जो दूसरी डेफिनेशन बताई आपको तो क्या बता रहा है डेडलॉक इज दिचुएशन दैट अकर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम वेन एनी प्रोसेस एंटर्स अ वेटिंग स्टेट बिकॉज अनदर वेटिंग प्रोसेस इज होल्डिंग द डिमांडिंग प्रोसेस वो वेटिंग में इसलिए है क्योंकि जिस चीज की वो डिमांड कर रहा है जिस चीज की वो डिमांड कर रहा है वो दूसरे ने होल्ड करके रखा हुआ है ठीक है तो हम डेडलॉक को क्या बोल सकते हैं डेडलॉक इज स्टेट बड़े सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डेडलॉक क्या है स्टेट है है ठीक बिटवीन टू और मोर दो और दो से ज्यादा प्रोसेस के बीच का स्टेट है इन विच दे आर कॉम्पिटिटिंग फॉर इच अदर जहां वो क्या कर रहे हैं कॉम्पिटिट कर रहे हैं कैसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं समझो ठीक है अगर आप देखो तो एक कैसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं ठीक है ए ने टीवन को होल्ड करके रखा है

फिर बीट का टी टू रिलीज हो जाएगा तो फिर हो सकता है, लेकिन यहाँ पास टास्क को तो करना चाहते नो वन no लेकिन कोई भी चाहता बच्चे? Yes, sir. Very good. है तो अब अगर मैं आपको डेडलॉक का एग्जाम्पल बताऊं बेटा ठीक है रियल लाइफ हमने देख लिया रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको अब चीजें समझ में आ जाएंगी ठीक है कैसे आप डेडलॉक देखते हो हर जगह आपको दिखेगा हर अलग अलग सिचुएशन में डेडलॉक की कंडीशन आपको आती हुई दिखेगी ठीक है अब अगर मैं बात करूं बेटा तो इन जनरल जब हम डेडलॉक की बात करते हैं ठीक है तो मैं प्रोसेस प्रोसेस को process को सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं इट इटमीन्स अगर मुझे पीवन प्रोसेस को शो करना है तो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा इस सर्कल जैसा बना नहीं लेकिन आप मान लो कि ये P1 जो है वो सर्कल में है पीटू जो है वो सर्कल में है ठीक है तो ये पीवन पीटू प्रोसेस हैं, ठीक है तो अगर मुझे किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सर्कल में रिप्रेजेंट करूंगा तो ये भी, भी ये भी भी आप ध्यान रखना बेटा ठीक ठीक है है क्योंकि जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या ऑथर्स हैं बुक के ऑथर्स हैं वो इस पर्टिकुलर सिंबॉलिक नोटेशन को फॉलो करते हैं तो आप भी इसी को फॉलो करेंगे बच्चे जो प्रोसेस है उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और जो रिसोर्सेस होते हैं जो रिसोर्सेस हैं जैसे आर वन रिसोर्स है मेमोरी एक रिसोर्स है ठीक है तो आर टू मान लो उसको, उसको हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान रखना तो रिसोर्सेस को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोसेस को हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल अगर मुझे क्या कहते हैं रिसोर्स को प्रॉपरली एलोकेट को समझना है रिसोर्स एलोकेशन को समझना है तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होता है दैट इज कॉल्ड आर ए जी इसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं आर ए जी बोलते हैं ठीक है तो जो इसे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को ग्राफ के थ्रू हम अच्छे समझ सकते हैं कि कैसे कौन सा रिसोर्स किसको एलोकेट होना है इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में ठीक है वो आर के थ्रू होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू अभी हमने क्या समझा बेटा प्रोसेस को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है और रिसोर्स को रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है चलिए अच्छी बात है यहां तक चीजें मुझे क्लियर हो गई ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अब समझते हैं दूसरी चीज को अब अगर आप देखो तो होगा क्या कि मैंने आपको क्या बताया तीन टर्मिनोलॉजी बताया कि अगर आपको रिसोर्स एक्वायर करना है तो रिक्वेस्ट करो यूज करो रिलीज करो चलो अच्छी बात है ठीक है तो अगर आप देखो एक रिसोर्स है आर्बन

इसको मैं आर क्यू भी बोलूं तो चलेगा रिक्वेस्ट को या सिंपल आर से डिनोट करूं तो भी चलेगा तो कभी आप भी आप कोई भी कहना चाहिए रिसोर्स को रिक्वेस्ट करते हो तो आपका जो एरो होता है रिसोर्स की तरफ होता है ध्यान रखना आपका एरो किस तरफ होता है रिसोर्स की तरफ होता है और इसको हम क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट एज बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट इज ये आपका हो गया रिक्वेस्ट इज चलिए अच्छी बात यहां तक तो बात में आ गई मुझे अब अगर मान लो वन जो रिसोर्स है अगर पी को मिल गया अगर आर वन रिसोर्स है और वो पी को मिल गया या पी वन जो है पी वन को मिल गया तो एरो साइन हो जाएगा इस साइड वन के साइड हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एलोकेटेड एलोकेटेड ठेके? या ए बोल दो या सिंपल ऐसा बोल दो एलोकेटेड ठीक है तो R1 वन रिसोर्स जो है वो P1 को मिल गया R1 जो रिसोर्स है वो P1 को मिल गया ठीक है तो ऐसे हम क्या कहते हैं इनको डिनोट करते हैं ठीक है थीके? तो रिक्वेस्ट का साइन रिसोर्स की ओर और, और अगर मिल गया है तो प्रोसेस की ओर तक क्लियर है सभी को यस नो बोलिए बच्चे यस गुड ठीक है अब तो ये रिसोर्स एलोकेशन जो मैंने यहां किया हुआ है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है तो देखो बेटा अगर यहां देखो तो पीवन की अगर मैं बात करूं

इट इज असाइन ये आपका एलोकेटेड है ठीक है ये एलोकेटेड है और रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए रिसोर्स टू के लिए रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो वेटिंग फॉर रिसोर्स टू ठीक है तो आर वन है लेकिन आर टू की डिमांड है जो आर टू है वो प्रोसेस टू के पास है देखो प्रोसेस टू के पास आर टू है ठीक है आर टू है लेकिन ये वेट किसके लिए कर रहा है रिसोर्स वन के लिए तो यहां रिक्वेस्ट है यहां रिक्वेस्ट है और यहां असाइंड है या एलोकेटेड है ठीक है तो कुछ ऐसे हम इसको क्या कहते हैं समझते हैं क्योंकि यहां क्या हो रहा है जो प्रोसेस वन है वो चाहता है कि रिसोर्स जो आपका टू है वो मिल जाए जो रिसोर्स टू है वो आपका मिल जाए तो क्या करेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉपरली ठीक है क्योंकि उसके पास रिसोर्स वन है प्रोसेस टू के पास रिसोर्स टू है वो चाहता है कि रिसोर्स वन मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा ठीक है तो ये कहलाता है बेटा डेडलॉक क्लियर हो गया इसको देखने का तरीका समझ में आ गया बच्चे बोलिए गुड yes, अब आगे समझते हैं बड़ा ही सिंपल फिनोमिना है ठीक है तो देखो अब ये क्या है ब्रिज है है ब्रिज ठीक एक रिवर पे ब्रिज है तो अब आप देख रहे हो यहां जो कंडीशन है वो आपकी कैसी कंडीशन है डेडलॉक ही वाली कंडीशन है एक बार में एक ही ट्रक पास हो सकता है तो नाइद ट्रक कैन प्रोसीड क्यों क्योंकि एक ही ट्रैक ही है ये भी डेडलॉक का सिचुएशन है आपने देखा होगा

मुझे कैसे समझ में आया मतलब प्रोसेस है रेक्टेंगल ए सॉरी सर्कल में प्रोसेस में है, है? लेकिन पीजे किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है टैब ड्राइव के लिए ठीक है टैब ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है टैब ड्राइव किसके पास है पीआई के पास लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंटर के लिए तो प्रोसेस पीजे सोच रहा है कि मुझे टैब ड्राइव मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं और प्रोसेस पी आई सोच रहा है मुझे प्रिंटर मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं ठीक है तो ये सिंपल सी बात है ये भी आपका डेडलॉक का कंडीशन है है चलिए अच्छी बात है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं रिसोर्स शेयर क्यों करना है ठीक है जरूरत क्यों है ये हमने डिस्कस किया कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं तो मेमोरी आयो साइकिल ठीक है डेटा कोड सेगमेंट ये सारे रिसोर्सेस होते हैं ठीक है और प्रोसेस जो होता है डिफरेंट रिसोर्सिस को यूज करने के डिफरेंट तरीके हैं तो उसमें क्या करता है सबसे पहले रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता 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 है उसको करता है करता है है उसको यूज देन रिलीज ठीक तो ये चीजें हमने देख ली ऑलरेडी तो अब अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेडलॉक इज अचुएशन वेर सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाई सम प्रोसेस ये मैंने बता दिया आपको जैसे मैंने टू ट्रेन का एग्जाम्पल लिया कमिंग टूवर्स ईच अदर ऑन द सेम ट्रैक एंड देयर इज एंडली वन ट्रैक नंट अदर ठीक है वैसी ही सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती है जहां, वो resource, जहां एक प्रोसेस उस रिसोर्स को होल्ड करके रखा है जिसको दूसरा वेट कर रहा है और दूसरे के पास वो रिसोर्स है जिसके लिए पहला वेट कर रहा है ठीक है और प्र, प्रोसेस हमारे एन प्रोसेस हो सकते हैं ठीक है इसी को मैंने यहां एक्सप्लेन किया है और ये ये जो डायग्राम है इसको मैंने यहां समझाया हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया कि फॉर एग्जाम्पल इन द बिलो डाइग्राम प्रोसेस वन इज होल्डिंग रिसोर्स रिसोर्स देखो को होल्ड करके कर रखा है और रिसोर्स टू का वेट कर रहा है सेम प्रोसेस टू इज होल्डिंग रिसोर्स टू एंड वेटिंग फॉर रिसोर्स वन ठीक है अब ये जो रिक्वेस्ट और रिलीज लाइफ साइकिल होती है जिसमें आप कहना चाहिए किसी भी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करते हो रिलीज करते हो ठीक है वो तो कैसे प्रोसेस होता है समझने की कोशिश करते हैं ठीक है ठीके? सबसे पहले प्रोसेस क्या करता है प्रोसेस विल मेक रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कोई भी प्रोसेस है जैसे, जैसे मान लो पीवन ठीक है पीवन क्या कर रहा है किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है ठीक है और जस्ट मिनट जैसे मान लो आर वन रिसोर्स है उसको P1 ने होल्ड किया हुआ है P1 ने होल्ड किया हुआ है ठीक है यहां देखो P1 ने होल्ड किया है R1 रिसोर्स को और P1 को क्या चाहिए R2 चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए जो कि किसने होल्ड करके कर रखा हुआ है P2 ने P2 ने यहां होल्ड करके कर रखा हुआ है ठीक है तो सबसे पहले P1 को अगर मान लो R2 चाहिए तो क्या करेगा जो प्रोसेस है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए ऑपरेटिंग प्रोसेस को ठीक है प्रोसेस को वैलिडेट करेगा प्रोसेस वैलिडेशन मतलब सिक्योरिटी चेकिंग सिक्योरिटी चेकिंग कैसी सिक्योरिटी चेकिंग जैसे आप एयरपोर्ट में इन करते हो ठीक है फ्लाइट के लिए तो आप सिक्योरिटी चेकिंग से आप जाते हो ठीक है आपकी सिक्योरिटी चेकिंग आइडेंटिफिकेशन सब कुछ चेक होता है ठीक है आप टेररिस्ट तो नहीं हो ठीक है कुछ ऐसा क्या कह कहते हैं फिर आपके बैगेज चेकिंग होती है तो आप ऐसा कुछ क्या कह कहते हैं लगेस्ट लेके तो नहीं जा रहे हो जो रेस्ट्रिक्टेड है वैसा ही प्रोसेस के लिए भी चेक होता है प्रोसेस को ऑपरेटिव सिज्डम चेक करेगा कि प्रोसेस जो है वो तो जेनाइन है या नहीं है जेनइन प्रोसेस है या नहीं है वैलिड प्रोसेस है या नहीं है कोई ऐसा तो नहीं है कोई मालवेयर है फिशिंग है कोई अटैक तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है तो प्रोसेस की वैलिडिटी को चेक करता है ओएस सबसे पहले प्रोसेस को वैलिडेट करता है चेक करता है कि प्रोसेस जो है वो बिल्कुल वैलिड है या नहीं है ठीक है अब अगर उसने चेक किया और देखा कि जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है सही जगह से आई हुई है सही प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की हुई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा देन चेक करेगा रिसोर्स की है.

एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा पूरे पूरे के पूरे को रिलीज कर देगा तो बड़ा ही सिंपल फिनोमिना है सबसे टू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वैलिडेट करता है प्रोसेस ठीक है कि रिसोर्स जिसको डिमांड कर रहा है प्रोसेस सही है वैलिड है, है अगर वो वैलिड है तो फिर क्या चेक करेगा कि रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है तो चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द आफ्टर दैट इफ इट इज फ्री इफ इट इज फ्री ओ एस एलोकेट रिसोर्स टू द रिसोर्स प्रोसेस टू द रिसोर्स प्रोसेस ठीक है और टू द डिमांडिंग प्रोसेस ठीक है अदरवाइज क्या करना पड़ेगा उस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा ठीक है और जैसे ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है देन इट विल रिलीज ऑल ऑल द इज दैट क्लियर टू ऑफ यू यस और नो बच्चे ठीक yes, है आगे बढ़ते हैं बेटा ठीक है अब देखो पढ़ाई सिंपल सिंपल सा सा फंडा है 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 बेटा ठीक अब मैं बात करूंगा आज के लास्ट टॉपिक दैट इज डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे कि डेडलॉक है आपने देख तो लिया समझ भी लिया कि हाँ चलो ये डेडलॉक की कंडीशन है ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कैसे बताओगे कि ये डेडलॉक है तो उसको बताने के लिए हम बात करते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन की या आप ऐसा बोल सकते हो

दूसरा होता है होल्ड एंड वेट तीसरा होता है नो no प्रीमिशन और फोर्थ होता है सर्कुलर वेट एक एक करके डिस्कस करेंगे अगर ये चारों कंडीशन एक ही टाइम पे सेटिस्फाई हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे किसी सिस्टम में तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट सो डेडलॉक कैन कैनज इफ दीज फोर कंडीशन सोल्ड अ सिस्टम ठीक है अब एक एक कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं पहला कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन फर्स्ट कंडीशन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो आप समझ मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको समझना मेरी बात को। जैसे लो, मेरे पास है R1, R2, R3. ठीक है और मेरे पास प्रोसेस है पी टू पी वन पी थ्री किसी भी ऑर्डर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता समझते चलते मान लो r1 जो रिसोर्स है वो p1 ने एक्वायर कर लिया उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट की r1 फ्री था p1 वैलिड था तो r1 एक्वायर हो गया p1 को और जब तक क्या कहते हैं p1 एग्जीक्यूट नहीं कर लेता है वो रिलीज नहीं करेगा अब मैं बोलूं कि r1 p2 को असाइन हो सकता है क्या मैं बोलूं r1 p3 को असाइन हो सकता है क्या बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता है बताओ मतलब r1 को तो p2 और p3 भी एक्वायर कर पाएंगे अगर p1 ने पहले से ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है तो क्या p2 और p3 एक्वायर कर पाएंगे जस्ट नो नो सर नो हमने पढ़ा हुआ है बार-बार पढ़ा हुआ है अगर p1 ने एक्वायर कर लिया हुआ है तो अब r1 को p2 एक्वायर नहीं कर पाएगा r1 को p3 भी एक्वायर नहीं कर पाएगा बिकॉज़ द रूल इज क्या रूल है एक बार में रिसोर्स एक ही को मिलेगा एक रिसोर्स आप एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हो एक रिसोर्स को एक टाइम पे आप एक ही प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हो आर टू पी टू को मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा R3, P3 को मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा लेकिन अब आर टू अगर कोई नया प्रोसेस आता है तो उसको नहीं मिल पाएगा बिकॉज कंडीशन क्या है एक रिसोर्स आप एक ही प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हो एक टाइम पे ठीक है तो द रिसोर्स हैजू बी एलोकेटेड टू ओनली वन प्रोसेस

को एक मतलब सॉरी एक बार में एक रिसोर्स किसी एक ही प्रोसेस को मिलेगा तो देर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड प्रोसेस तो एक कौन सा रिलेशन है, है. रिसोर्स ठीक है, है मैंने अगर रिसोर्स एक्वायर कर लिया मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा ठीक है मुझे बात समझ में आ गई कि देर शुड एलोकेट कर सकते हैं एक टाइम पे एक मोमेंट पे ठीक है तो ये वन टू वन रिलेशनशिप को बताता है और साथ में ये भी बताता है कि रिसोर्स इज नॉन शेयर शेयरबल नहीं है मैंने होल्ड कर लिया तो मेरा ही है जब तक मैं एग्जीक्यूट ना कर लू तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए चार कंडीशन है ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ठीक है तो हम आगे की और देखते लेकिन चारों कंडीशन तो तो मतलब है किसी को मिल गया तो दूसरे को नहीं मिलेगा तो आपस में हम अलग अलग की बात कर रहे हैं ठीक है क्लियर है या नहीं है बोलो बच्चे क्लियर है या yes, दूसरी बात करते हैं बेटा होल्ड इन वेट वट इज होल्ड इन वेट तो समझते हैं ठीक है मान लो मैंने आर वन प्रोसेस लिया सॉरी आर वन रिसोर्स लिया रिसोर्स है तो मैंने रेक्टेंगल में आर वन को पी पीवन होल्ड करके रखा हुआ है पीवन ने होल्ड करके रखा हुआ है आर वन को ठीक है और पीवन वेट कर रहा है आर थ्री का या मान लो आर टू का ठीक है तो ये वेट हो रहा है मतलब पीवन को अगर आर टू मिल जाए तो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि आर वन है लेकिन आर टू को होल्ड करके रखा है P2 ने तो तो डेडलॉक की कंडीशन है है ठीक उसको होल्ड किसने करके रखा है P2 ने होल्ड करके रखा है ठीक है तो मिल नहीं पाएगा पीवन को तो जब ऐसी कंडीशन हो जहां आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेस हो ठीक है कुछ रिसोर्सेज मैंने होल्ड करके रखे हैं अब कुछ का मैं वेट कर रहा हूं जिसका मैं वेट कर रहा हूं उसको दूसरे ने होल्ड करके रखा है और जिसको मैंने होल्ड करके रखा है उसका दूसरा वेट कर रहा है इट मीन द प्रोसेस इज होल्डिंग द रिसोर्स फॉर एग्जाम्पल पी वन पी वन इज होल्डिंग द रिसोर्स आर वन अगर मैं यहां की बात करूं तो पी वन इज होल्डिंग द रिसोर्स आर वन ओके एंड वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर आर टू बट R2 is held by some another process that is P2. So the process is holding the resources and waiting for some other resources simultaneously, which is being held by other process. For example, P2. यहाँ P2 की बात करें. P2 R2 को hold करके रखा है. ऐसी अगर condition होती है, तो deadlock होगा. तो deadlock होगा. तो hold and wait condition होनी चाहिए. जैसे इसके example में देखें. तो process टू ने resource टू और resource थ्री को hold करके रखा है देखो एरोसाइन इसकी तरफ है तो होल्ड करके रखा है और रिक्वेस्ट रिसोर्स वन की कर रहा है और रिसोर्स वन किसके पास है प्रोसेस वन के पास ठीक है अब प्रोसेस वन इसको छोड़ेगा नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन है मैंने बताया आपको वो छोड़ेगा नहीं शेयरेबल है नहीं ठीक है नॉन शेयरेबल है और ये प्रोसेस टू आपका वेट करता रहेगा क्यों क्योंकि इसको प्रोसेस इसको ये वाला रिसोर्स वन जो है वो चाहिए टू और थ्री है लेकिन रिसोर्स वन चाहिए रिसोर्स वन चाहिए ठीक है तो इसको हम बोलते हैं होल्ड एंड वेट प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेस इन स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेस फ्रॉम अदर प्रोसेस विच आर होल्डिंग डायग्राम से मुझे समझ में भी आ गया आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर क्लियर है बच्चे बोलो यस ओन नो गुड ठीक है आगे बात करते हैं दो कंडीशन हो गई तीसरी कंडीशन हम बात करेंगे नो प्रमिशन वट इज नो प्रिमिशन

अगर छिन जाता है ठीक है? इन नो प्रशन no का मतलब ये हुआ, कि प्रोसेस है और उसको होल्ड करके रखा है पी वन ने ठीक है और पी वन जो है वो वेट कर रहा है ठीक है, वेट है पी वन जो है वो वेट कर रहा है किसका आर टू का जिसको होल्ड करके P2 ने रखा हुआ है अब देखो तो यहां देखो P1 के पास R1 है लेकिन R2 चाहिए अब P1 R1 नहीं छोड़ेगा क्यों नहीं छोड़ेगा क्योंकि नॉन प्रिमशन होना चाहिए अगर ऐसा है कि नॉन प्रिम्सन होना चाहिए मतलब मैं अपने रिसोर्सेस नहीं छोड़ूंगा भाई प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा अपने रिसोर्सेस को जब तक कि मैं एग्जीक्यूट ना हो जाऊं मुझे फोर्सफुली आप Uh, कहना चाहिए मेरे रिसोर्सेज को आप रिलीज नहीं करवा सकते जब तक मैं एग्जीक्यूट ना हो इस कंडीशन को बोलते हैं no और एक condition, अगर आपकी follow हो रही है इसका मतलब deadlock है क्योंकि आप फोर्स नहीं कर सकते कि रिलीज कर दो क्यों क्योंकि अगर मान लो P2 जो है R2 को रिलीज कर दे तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन नो प्रेमिशन और रिसोर्स कैन नॉट बी प्रिमटेड फ्रॉम प्रोसेस बाय फोर्स बाई फोर्स आप उसको रिलीज नहीं करा सकते मतलब वॉलंट्री रिलीज होगा बाई द प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन इट इज नॉट अलाउड टू फोर्सफुली प्रीएम्ट रिसोर्सेस आप उसको फोर्सफुली प्रियम्प्ट नहीं करा सकते हो वॉल्ट्री करा सकते हो ठीक है वॉलंटरी करा, करा सकते हो तो अगर नो no परमिशन है तो पक्का है कि डेडलॉक की कंडीशन तो बन गई क्योंकि मैं एक रिसोर्स लेके रखा हूं मैंने छोड़ना ही नहीं है इस रिसोर्स को क्यों नहीं छोड़ना है क्योंकि मैं किसी दूसरे का वेट कर रहा हूं और उसके बिना एग्जीक्यूशन नहीं होगा और जिसका वेट कर रहा हूं उसको दूसरा नहीं छोड़ेगा ठीक है तो यहां भी देखो अगर मैं बात करूं

कि अगर आप देखो यहां अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो यहां देखो रिसोर्स वन है और प्रोसेस वन है ठीक है यहां रिसोर्स वन जो है मान लो आर वन आर वन जो है वो किसको एलोकेटेड है प्रोसेस टू को एलोकेटेड है तो आर वन देखो पी टू को एलोकेटेड है देखो यहाँ आर वन पी टू को एलोकेटेड है ठीक है और पी टू जो है वो रिसोर्स टू को डिमांड कर रहा है उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो पी टू रिक्वेस्ट कर रहा है r2 के लिए देखो ऐसा ही यही ग्राफ बनेगा एरोस उसके साइड बनना दिया मैंने p2 रिक्वेस्ट कर रहा है r2 को और r1 p2 के पास है और जो रिसोर्स 2 है वो p1 के पास है देखो बिल्कुल सही r2 p1 के पास है तो इसकी तरफ वो बनेगा एरो जाएगा ठीक है और जो p1 है वो r1 को डिमांड कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे r1 चाहिए अब आप, आप देखो ए, पूरा का पूरा जो आपका वो है कहना चाहिए वो कैसा हो गया साइक्लिक हो गया सर्कुलर हो गया सर्कुलर हो गया सर्कुलर होगी ऑन ईच अदर रिसोर्सिसकुलरली एक दूसरे का वेट कर रहे हैं भाई तू छोड़ दे तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊ छोड़ दे तो मैं सर्कुलरली एक दूसरे का वेट कर रहे हैं ठीक है तो अब प्रोसेस इज वेटिंग For the resource held by the second process which is waiting for the resource held by the thir third process and so on, so on till the last process is waiting for a resource held by the first process last process first while ago. के लिए वेट ना कर रहा हो ठीक है तो इसके चलते क्या बन जाएगा सर्कुलर चैन ठीक है जैसे यहां देखो प्रोसेस वन इज एलोकेटेड रिसोर्स टू एंड इट इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्स सिमिलरली प्रोसेस टू दिस सर्कुलर वेट लूप तो सर्कुलर वेट लूप में भी अगर आप देखो तो होल्ड एंड वेट हो रहा है बिकॉज पी टू इज पी टू इज होल्डिंग रिसोर्स आर देखो यहां पी टू इज होल्डिंग P2 is holding resource R1 and waiting for R2, तो so, hold and wait है। P1 is holding resource R2 and waiting for resource R1, तो so, यहाँ hold and wait भी हो रहा है। तो so, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि these four conditions are not truly independent, इचारों condition truly independent नहीं हैं, एक दूसरे पे dependent है। Because अगर मैं circular wait की बात करूँ, तो circular waits include hold and wait। circular wait में क्या हो रहा है? Hold and wait भी आ रहा है, देख लो।